स्टडी एग्रीकल्चरल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कंप्यूटर नेटवर्क्स में व्हाट आर द एडवांटेजेस या हम कह सकते हैं यूजेस एंड एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं सर में एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन एरिया क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के, यूजेस क्या है, किसी भी टाइप से तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। बट आपको क्या करना है, सबके अंदर सेम ही आंसर लिखना है। अच्छा, आपके पास एप्लीकेशंस पूछ रहा है वो एप्लीकेशंस एरियाज पूछ रहा है या यूजेस पूछ रहा है, ठीक है। इसको आप फीचर्स में भी लिख सकते हैं, एडवांटेजेस में भी लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। देयर आर द मल्टीपल यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। यहाँ पर क्या है, अलग अलग टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, यानी अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं। कहीं पे कुछ फाइल को शेयर करने के लिए, कहीं रिसोर्स को शेयर करने के लिए, कहीं कम्युनिकेशन करने के लिए, तो वही सब चीज़ों को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यूज़ जो आता है वो आता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, कन्वर्सेशन करना, बातचीत कर पाना, कनेक्ट रह पाना एक दूसरे से। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स अनेबल द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये क्या करता है कंप्यूटर नेटवर्क अनेबल करता है या अलो करता है कि एक सिंगल पर्सन भी एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, यानी इंडिविजुअल पर्सन कम्युनिकेट कर सकता है किसके साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। टू कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग द वेरियस मैथड, अलग अलग टाइप के मैथड्स का यूज़ करके। और वो कौन से मैथड्स हैं, हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, हम टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम एक पर्सन सिंगल अनदर पर्सन से कम्युनिकेट कर सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी बातचीत कर सकते हैं। कम्युनिकेट कर पाने का मीनिंग ये है कि एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन को मैसेज सेंड कर रहा है या ईमेल कुछ भी सेंड कर रहा है और उसको एक्नॉलेजमेंट आगे से मिल सकती है, ये होता है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स का मीनिंग क्या होता है, कुछ भी सोर्स जहाँ से हम किसी भी एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फंक्शनैलिटी का यूज़ कर सकते हैं, डेट विल बी द रिसोर्सेज। तो हम रिसोर्स को कैसे शेयर करें, रिसोर्स शेयरिंग, ये उसके डेफिनेशन में ही था कंप्यूटर नेटवर्क की, ये डेटा को शेयर करता है, रिसोर्सेज को शेयर करता है। तो आप देखेंगे हम यहाँ पे कौन सी रिसोर्सेज हैं, वो कंप्यूटर नेटवर्क अलो अस टू द शेयर रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क हमें अलाउ करता है कि हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग कैसे करेंगे, सच एज अ प्रिंटर्स, जैसे शेयर्ड प्रिंटर होता है। प्रिंटर कैसे, जैसे नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं, यानी अलग अलग टाइप के पीसीज से जो आपस में कनेक्टेड हैं, वहाँ पर क्या होगा, एक पीसी है सिंगल, यानी 5 नंबर ऑफ पीसीज के ऊपर वन प्रिंटर है, 5 पीसीज हैं और वन प्रिंटर है। फिर नेक्स्ट ग्रुप आता है उसके अंदर भी 5 पीसी हैं और एक प्रिंटर है। तो इससे क्या होगा कि 5 जो 5 से वो ग्रुप बना हुआ है, तो नंबर 1 पे जो है अगर वो प्रिंटर को कमांड देगा तब भी प्रिंटर काम करेगा, 2 वाला जो पीसी है पीसी स्टेशन अगर वो प्रिंटर को कमांड दे रहा है तब भी प्रिंटर उसको प्रिंट करके देगा जो भी कमांड होगी, 3rd वाला देगा, 4th वाला या 5th वाला, कोई भी इस पूरे ग्रुप में से कोई भी कमांड देगा तो इस ग्रुप से रिलेटेड जो भी इनका प्रिंटर था शेयर्ड प्रिंटर वो कमांड को एग्जीक्यूट करेगा और रिजल्ट भी देगा, ठीक है। और क्या शेयर कर सकते हैं, स्कैनर को शेयर कर सकते हैं, जिस तरह से प्रिंटर है वैसे ही स्कैनर काम करेगा। स्कैनर को इनमें से कोई भी ग्रुप जो है पर्टिकुलर ग्रुप में से कोई भी एक मेंबर अगर कोई कमांड देगा स्कैनर को तो स्कैनर काम करेगा, आउटपुट देगा। फाइल्स को शेयर कर सकते हैं हम इजीली, एक फाइल को शेयर कर रहा है एक पीसी जो है इस ग्रुप वन में से, एक पीसी ग्रुप टू को कोई फाइल को शेयर कर रहा है तो क्या होगा, पीसी जो है वो सबके सब शेयर्ड है, यानी कि ग्रुप वन में जितने भी पीसी होंगे उन सब पर शेयर दिखेगा कि फाइल जो है ये पर्टिकुलर फाइल शेयर की गई है इस पीसी से, ठीक है। इससे क्या हुआ कि एक्नॉलेजमेंट रहेगी, अगर एक का डाटा लॉस हो जाता है तो बाकी सब में से हम डाटा जो है रिसीव कर सकते हैं। फाइल शेयर होगी, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, विच कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट। अब यहाँ पर हमें कॉस्ट जो है वो कम लगी और हमारा काम जो है वो जल्दी हो गया। कॉस्ट कम कैसे लगी, 5 पीसीज के ऊपर एक प्रिंटर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर एक पीसी पे एक प्रिंटर यूज़ करेंगे तो सोचो कितने सारे यहाँ पर नंबर ऑफ प्रिंटर्स बच गए जो हमें बाय करने पड़ते हैं, तो कॉस्ट बच गई। फिर दूसरा इम्प्रूव कैसे हुआ काम, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई कोई ऐसा पीसी हो जो प्रिंटर की कमांड ही ना देता हो, कोई यूज़ ही ना करता हो प्रिंटर, उसके लिए भी अगर अलग से प्रिंटर लाया जाता तो वो भी क्या था, कॉस्ट का डिस बेनिफिट था, है ना, क्योंकि वो यूज़ ही नहीं कर रहा है और किसी और को वो दे नहीं सकता क्योंकि वो सिर्फ एक ही पीसी से कनेक्ट है, कोई और उसका यूज़ नहीं कर सकता। इससे क्या हुआ, इफिशियंट तरीके से यूज़ हो पाएगा हर एक रिसोर्सेज का,
चाहे कोई भी कंप्यूटर सिस्टम उसको यूज कर रहा है, डजंट मैटर। रिमोट एक्सेस, रिमोट एक्सेस में क्या होता है, नेटवर्क अनेबल यूजर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो यूजर को, अपने यूजर को अलाउ करता है कि वो इंटरनेट पर जाकर अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है कहीं से भी बैठ के। और सपोज करो कि हमें नहीं पता जावाटी पॉइंट नाम से जो एक वेबसाइट है वो किसने बनाई, नहीं पता, बट जब कभी भी हमें कुछ क्वेरी आती है, सपोज करो कि हमने लिखा व्हाट डू मीन बाय द एचटीएमएल, एचटीएमएल का हेड टैग बताओ, एचटीएमएल का फुटर टैग बताओ, ये हमने लिख दिया, वो हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद देगा कुछ लिंक्स, गीक फॉर गीक्स का लिंक आएगा, जावाटी पॉइंट, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, अलग अलग टाइप के लिंक्स आएंगे, ठीक है। हम अपनी मर्जी से बिना ये सर्च करें कि इस वेबसाइट को किसने बनाया, कंटेंट इसका कहाँ से लिया गया, कोई मैटर नहीं करता, हम डायरेक्टली क्लिक करते हैं, हम उसके कंटेंट को यूज़ करते हैं, ऐसे ही करते हैं हम। ये तो नहीं देखते ना कि जावाटी पॉइंट जिसने बनाया है सबसे पहले उस ऑथर से हम ऑथेंटिकेशन की परमिशन लें, ऐसा कुछ नहीं होता, वो पब्लिक है वेबसाइट, इसलिए हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं, हमें किसी भी परमिशन की नीड नहीं पड़ेगी। बट अब बात क्या है, पॉइंट क्या है कि हम अलग अलग पोजीशंस पे बैठे हैं सब, कोई कहीं पे, कोई दिल्ली, मतलब अलग अलग टाइप ऑफ सिटीज में हम हैं, अलग अलग सिटीज में हैं, कोई अलग अलग कंट्रीज में भी है, जिनके पास सेम नंबर ऑफ वेबसाइट्स का लिंक जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही है, जैसे जावाटी पॉइंट, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ग्रीक फॉर गीक्स, ये सब क्या है, फ्रिक्वेंटली में यूज़ होने वाली वेबसाइट्स है, इसलिए इसको कोई भी अपने अपने प्लेस पर रहकर, अपनी अपनी कंट्रीज में रहकर भी एक ही वेबसाइट को यूज़ कर पा रहा है, इसको बोलते हैं रिमोट एक्सेस। यानी आप कहीं पे हो, आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं और है, फिर भी आप उस इन्फॉर्मेशन को या किसी और की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं, डैट विल बी द रिमोट एक्सेस। बोल भी रहे कि एंड रिसोर्सेज फ्रॉम द एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं से भी आप किसी भी टाइप के रिसोर्स को और इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी, प्रोवाइडिंग द ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। इससे हमें एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और कन्वीनियंस मिलती है। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में कैसे यूज़ किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क को, कंप्यूटर नेटवर्क फैसिलिटेट कोलैबोरेशन बाय अनेबलिंग द यूजर टू वर्क टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट। कि कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मीनिंग तो आप समझती होगी, कोलैबोर करना यानी कि अलग अलग पर्सन है उन्होंने कोलैबोर कर लिया, ग्रुप बना लिया अपना, ठीक है। ग्रुप इसलिए बनाया, सपोज करो कि प्रोजेक्ट बनाना है उनको या अपने आइडियाज शेयर करने हैं, इससे क्या होगा, अगर वो अपने आप एक ग्रुप बना लेंगे तो एक ही बार मैसेज करेंगे, सबके पास वो मैसेज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और फीडबैक जो है रियल टाइम में मिलेगा। यानी कि कुछ अगर देख रहे हैं उसको तो सबका फीडबैक एक साथ मिल रहा है, अलग अलग जाके देखने की जरूरत नहीं है कि इस पर्सन ने क्या फीडबैक दिया, सेकंड ने क्या दिया, थर्ड ने क्या दिया, आपको एक ही ग्रुप में वो सब दिखेंगे, एक ही ग्रुप में सब पीडीएफ फीडबैक शो होंगे। नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या होता है, ई कॉमर्स तो आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जहाँ पर हम सेलिंग एंड बाइंग का प्रोसेस करते हैं यूजिंग द इंटरनेट, है ना। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, यूज एक्सटेंसिवली इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा यूज होने लग गया है, अनेबलिंग द बिजनेस टू सेल प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑनलाइन। यानी अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना और किसी दूसरे के प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय करना, ये जो प्रोसेस है पेमेंट की वो बहुत सिक्योर होती है। यानी कि हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट पर पिक्चर्स देख रहे हैं, कोई चीज़ हमें अच्छी लगी तो हमने उसको ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर कर लिया मीन्स हमने उसको बाय कर लिया, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं फिर, अपने अगर कुछ चीज़ हमें सेल करनी है, कोई भी थिंग हो सकती है, कोई क्रॉस हो सकते हैं, वो चीज़ अगर हमें सेल करनी है तब हम उसमें पिक्चर्स अपलोड कर देंगे, है ना। यानी सेलिंग एंड बाइंग करने का जो प्रोसेस होता है ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड द ई कॉमर्स, उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं, और वहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिंग लगी होगी, अगर फिर भी इस वीडियो को कहीं भी आपको समझने में डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।